नमस्कार, मैं रविंद्र नानोटे मुलताई से ग्राम ससुंदरा में भावेंद्र माथनकर जी के खेत में है और इनको हमने हरित संजीवनी दिया था। आज उनके खेत में हमारे साथ और भी किसान हैं, यहाँ के सोनू भैया है, सर है, साहेब राव जी है। और इस खेत में और बाकी अन्य खेतों की तुलना में भी जब हम यहाँ देख रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, तो यहाँ जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं और अन्य खेतों में जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उसका थोड़ा सा यहाँ हमने बातचीत करी है और कुछ निकल कर जो आया है, इन्होंने कहा है कि जैसे गोबर जिस खेत में इन्होंने डाला है वो खेत और हरित संजीवनी का खेत लगभग समान अवस्था में चल रहे हैं। हरित संजीवनी थोड़ा आगे है तो गोबर भी उसके पीछे नहीं है, तो जिन खेतों में गोबर खेत खाद डाला हुआ है वहाँ पर भी रिजल्ट ठीक आए हैं और यहाँ के रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो हम किसान से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इसको हरित संजीवनी को प्राप्त किया और किस तरह से उन्होंने एक निर्णय लिया कि हरित संजीवनी डालेंगे। आइए मिलते हैं। तो भावेंद्र जी, जी बोलिए, आपने हरित संजीवनी के बारे में आपको किसने बताया था? जी, मुझे मेरे दोस्त से और ये पास के पिकअप सेंटर के जो किसान मित्र बने हैं हरित संजीवनी के, जैसे कि आप हो गए और जगदीश जी डोंडे हो गए, लोकेश डोंडे हो गए और एक मेरे मित्र थे हेमंत डोंडे जी, वो आए थे। वो बराबर अपना व्याख्यान दे करके गए, एक घंटे की उन्होंने फिल्म भी दिखाई, बराबर सब विश्लेषण की बताया कि ये पार्ट है, ऐसा होता है, जैविक क्रिया चल रही है, ऐसे मतलब इसमें राइजोबियम कल्चर बढ़ रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो जो आवश्यकता थी दी। उसके बाद और भी लोगों को बताई जी, तो उसके बाद हमने डाला इसमें और ये रिजल्ट आपके सामने इसमें दिख रहा है। जड़ें थोड़ी छोटी छोटी बढ़ गई है इसके अंदर में और इसमें कम है जी, और बाकी और उपयोग हो रहा है, बाकी पूर्ण तो लास्ट रिजल्ट में ही पता लग पाएंगे। इसके पत्तों को देखकर आप क्या कहेंगे, पत्ते चौड़े हो रहे हैं बाकी अन्य खेतों की तुलना में? ये तो चौड़े हो रहे हैं पर ज्यादा अच्छे से और हमारे साथी लोग बता पाएंगे क्योंकि ये परमानेंटली इसी में है। साहेब राव जी, आप इस खेत की देखरेख करते हैं, आपने ये जो गेहूं की फसल अभी जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी गेहूं अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट है या फिर ये इस खेत की वजह से ही हो रहा है? प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं जी, तो क्या लगता है कि किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए? करना चाहिए तो ये फायदा देगा। देगा, देखिए अभी आपको कुछ परिवर्तन फसल में दिख रहा है जो अन्य खेतों के मुकाबले, तो क्या क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहे हैं थोड़ा बताएंगे? इसमें चौड़ी पत्ती है जी, पत्तियां चौड़ी है, भुरभुरी आ गई है, जमीन भुरभुरी हो गई है जी। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक का जो हमारा विशेष प्रदर्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, जमीन भुरभुरी हुई है और पूरी तरह से यहाँ जमीन में अभी हम चले भी हैं, खेत में हमने देखा है। और क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? फसल सही तरीके से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और ये जो पूरा जो खेत है, अभी आपने जो 2 एकड़ में हरित संजीवनी का उपयोग किया है तो इसमें आपको अभी केचुए वगैरह दिखे हैं? पिछले बार नहीं दिखे, केचुए अभी नहीं दिखे। अपन ने अब क्या है, गर्मी इसका, ठंड का टाइम है जी, अभी आपने देखे नहीं? इधर इधर देखे थोड़ा कैमरे तरफ जी। तो हरित संजीवनी के रिजल्ट अब लग रहे हैं कि किसानों को इसको लगाना चाहिए, डालना चाहिए, है ना, और इसका प्रयोग हर खेती में करना चाहिए। खेत भी सुधरेगा और इनकम भी आएगी, इनकम भी आएगी। और क्या, एक खेत में डल गई, दूसरे खेत में नहीं डली तो वो तो फिर और थोड़ा दिक्कत होगी जी जी। तो सभी ने डालना चाहिए। और पहली बात की अभी कितने पैकेट आपने इसमें डाले हैं? इसमें 3 बार हो गया, एक काले खेत में जी, एक खेत में डाल दिया था आपने, बोने के पहले मिट्टी में डाल दिया और फिर स्टेज 2 स्प्रे किया आपने, फिर दूसरी जी, और फिर अभी तीसरा जो अभी पोटरी पे आ गया है गेहूं, तो आपने देखा है उसमें भी डाल दिया है, कल ही डाला है जी। तो अभी इसके रिजल्ट अभी हमको देखना बाकी है। तो नमस्कार और अच्छा, फिर मिलेंगे। मैं एक बात और